हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि हेयर स्ट्रेट करवाते हैं अपने बाल को तो आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना होता है और उसके साथ क्या क्या यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हेयर स्ट्रेट करवा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मेरे चैनल पर भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। देखिए, आप कोई भी शैम्पू, ये दोस्तों ये शैम्पू है, शैम्पू के बारे में बता रही हूँ आपको। ये शैम्पू बहुत प्रोफेशनल शैम्पू है, मैट्रिक्स का आता है, जिसे आप जैसे लोग अपना हेयर स्ट्रेट करवाते हैं उनको पता नहीं चलता है, वो कोई भी शैम्पू यूज कर लेते हैं उसका स्ट्रेट क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जब बाल स्ट्रेट होते हैं तो एक साल के लिए रहता है, इसलिए एक साल ये मैट्रिक्स का शैम्पू यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये कोई भी शैम्पू यूज कर सकता है क्योंकि ये प्रोफेशनल शैम्पू होता है। ऐसा नहीं कि बाल जिसका स्टेट है वही करे, जिसका स्टेट भी नहीं करवाते वो भी ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये 400 ml का होता है, इसका MRP बता दूँ 380 है, क्योंकि ये शैम्पू प्रोफेशनल है, थोड़ा महंगा आता है मगर बहुत अच्छा है। कोई भी ये शैम्पू यूज कर सकता है और इसके साथ कंडीशनर यूज़ करें, ये भी मैट्रिक्स का ही है। कंडीशनर बहुत महंगा आता है, देख सकते हैं 196 ग्राम का है और इसका MRP आप लोग देख सकते हैं 315 है। ये दोनों एक साथ यूज किया जाता है। ये है सीरम जिसे आप बाल धो लिए, ये भी मैट्रिक्स का ही है। सीरम हम कब यूज़ करते हैं, जैसे बाल धो लिए, शैम्पू और कंडीशनर यूज कर लेते हैं बाल धोकर, आपका बाल हल्का सा गीला रहता है तो ये सीरम यूज करते हैं। सीरम कोई भी यूज कर सकता है, कि सीरम यूज करने से मैं बता दूँ कि आपके बाल पे शाइनिंग आता है, आपका बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए लोग सीरम यूज करते हैं, ठीक है। इसका MRP मैं बता दूँ 445 रुपया है, ये 100 ml का है। ये सीरम ज़्यादा यूज नहीं करना होता, एकदम थोड़ा सा ले अपने हाथ पे मिक्स करें और बाल में लगाएं, क्योंकि ज़्यादा कीजिएगा ना तो बाल पूरा क्या होता है, जैसे तेल चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा सीरम को यूज ना करें, एकदम थोड़ा सा ले, एक बूंद एकदम थोड़ा सा ना मात्रा का ले, उसके बाद ये सीरम यूज करें। ये ना कोई भी ये तीनों चीज़ यूज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ, इससे बाल भी कम गिरता है